ओजोन सिटी रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 15,000 इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जहां मुठभेड़ में उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले कि बदमाश ने 10 फरवरी को गांधी पार्क इलाके में फाइनेंस कंपनी के कैशियर को गोली मारकर 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, लूट के 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मुखबिर खास ने जो है उसमें एक नाम आया था, जिसमें देबू और देवेंद्र जो एक इलास का रहने वाला है और शातिर अपराधी है, पहले भी लूट और मर्डर के मुकदमे उसके ऊपर लग चुके हैं, अभी बेल पे भी था। सूचना मिली कि वो जो है मोटरसाइकिल से आ रहा है ओजोन सिटी की रोड पे, तो वहाँ पे जो है पुलिस की टीम, लोकल थाने की टीम गांधी पार्क की और SOG की टीम, दोनों वहाँ पे उसको रोकने का प्रयास किया, घेरने का प्रयास किया। उसी में से जो है उनके द्वारा फायरिंग की गई। उसी फायरिंग के रिटेलिएशन में अपने सेल्फ बचाव के लिए जब पुलिस टीम ने फायर की तो उसके पाँव में गोली लगी और अभी वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज उसको किया गया है और अभी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग सम्मिलित थे।